जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं हम अपने होम स्टे की तरफ लाल मिट्टी लेने। नामी ग्लेशियर और खूबसूरत पहाड़ों में देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है। सुबह सुबह ग्लेशियर के ऊपर बादल लगना स्टार्ट हो चुका है। मम्मी गुड मॉर्निंग, कैसी है तबीयत? अब अभी भी दर्द ही हो रहा है। और बुखार और सर दर्द कैसा है? होम स्टे में हम लोग लाल मिट्टी ढूंढने आए थे बट मिल नहीं रहा है। तो अभी भी मम्मी जी की हालत वैसी की वैसी है, थोड़ा बहुत खराबी हो रही है। बोले अम्मा जा रहे हो? हाँ, पूजा रहे ठीक है। हाँ पूजा। अच्छा, तो देखो भाई, दादी इतनी बुजुर्ग है और एक लट्ठी टेकर और खाद पहुंचाकर जा रही है। देखो यार, पहाड़ के बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत ही ज्यादा मेहनती होती हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा दादी जी को। अभी मैं अपने ताऊजी लोगों के पास आ चुका हूँ गोबर लेने के लिए, क्योंकि उनके पास है गाय, हमारे पास तो नहीं है। गौशाले में आ गया हूँ भाभी लोगों के, तो थोड़ा बहुत गोबर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। सुबह सुबह भाभी जी यहाँ पर डोके में भर रही है गोबर और ये खाद पहुँचाएंगे खेतों में। तो अभी तो भाभी जी सभी गोबर इकट्ठा कर रही है खेतों में ले जाने के लिए। हाँ, हमारे पहाड़ों में, पहाड़ी लाइफ स्टाइल चीजें में गोबर ही बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत काम आता है। तो गाय तो हमारे पास है नहीं, तभी जाके दूसरों के वहाँ से हम लोग गोबर लेके आते हैं। अरे इतना बहुत है ये चूल्हे के लिए। हाँ, थोड़ा ये चूल्हा लीपना है आज। अरे वहाँ आ जाएगी, कोई नहीं, हो जाएगा। तो क्या बना रहे हो आज मॉर्निंग में? मॉर्निंग बना रही हूँ मलका की दाल, मसूर की दाल। मलका मसूर मिक्स करके। एक बार यहाँ पर आग जली थी ना पूरी, तो नीचे से ले गया था और बहुत खतरनाक हादसा हुआ था यहाँ पे। तो दोस्तों, खाली बात ही है कि आग का खाना बहुत ही मजेदार होता है, स्वादिष्ट, टेस्टी एकदम। अभी सुबह सुबह की प्यारी प्यारी धूप भी आ चुकी है, गांव साइड पूरा धूप पड़ चुका है। देखिए सुबह सुबह लोग खेतों में हल जोतने लग गए हैं दोबारा उसी खेत में। एक बार तो इसमें हल जोत दिया था, अभी दोबारा हल जोत रहे हैं और आज ही यहां पर आलू बोया जाएगा। और बैलों के मुंह में देखो पूरा मुआ लगा रखा है, जिससे अभी घास न खाए, बाद में जब ये पूरा हल जोतेंगे तो इनको बढ़िया करके घास भी दिया जाता है। आलू के बीज भी ना अलग प्रकार से काटा जाता है सोच समझ कर। हाँ, साइड तना निकलता है ना, उस साइड आलू के बीज नहीं काटा जाता है। अभी आलू के लिए क्यारी काटा जा रहा है। आलू के लिए क्यारी काटना पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कुदाल के द्वारा ही आलू की क्यारी काटी जाती है, पूरा सीधा सीधा काटना पड़ता है क्यारियाँ। देखो पूरा सीधा क्यारी आपको दिख रही होंगी जिसमें आलू बोया जाएगा, और यहाँ पर भी अभी पूरी क्यारियाँ बनाई जा रही हैं। चाची आलू की क्यारियाँ बनाने में लग पड़ी है कुदाल से। ताऊजी और ताईजी दोनों भी काम कर रहे हैं। ताईजी और चाची दोनों ही सगी बहन हैं, जो सामने केमो गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो बैलों ने काम कर लिया है तो घास खाने लग गए हैं। बैलें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है ना, तो उनको समय समय पर घास देना भी ज़रूरी होता है, तभी जाके उन पर भी थोड़ी बहुत पावर आएगी हल जोतने के लिए। ताऊजी हल जोत दिया? जोत दिया। अच्छा, अब दे रहे हो घास? अच्छा, थोड़ा बचा है। हाँ, तो घास देना भी जरूरी हुआ। जरूरी है ना, कैसे चलेगा ये? हाँ, आज सुबह की प्यारी प्यारी धूप हमारे गांव नामी ग्लेशियर में आ चुकी है दोस्तों। सुबह सुबह यहाँ पर बर्तन धोया जा रहा है मैडम जी के द्वारा। तो पहाड़ों के जितने भी लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, जिनकी उनकी मम्मी लोग अकेले होंगे घर पे, तो पहाड़ों में वो काम करने के लिए घर आते हैं। चलाया तुम भोजन तो हम लोगों ने बना दिया था, सतयुग के ये अग्निकुंड होते हैं जो कि बहुत शुद्ध माने जाते हैं। तो पहाड़ों में आपने इस तरह के चूल्हे देखे ही होंगे, इसे हम लाल मिट्टी और गोबर के माध्यम से मैं लिपूंगी। इसके चारों तरफ आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा, हम इसमें अपने पांव नहीं ले जा सकते हैं। आज आपको पूरा पहाड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अभी पूरा पोता जा रहा है गोबर से, गौ माता के गोबर से। अब हम पहाड़ों में रहते हैं, आपको हमेशा पहाड़ी चीजें दिखाते जितना हमसे हो सके। और चाचा लोग भी खेतों से आ गए हैं हल जोत के। इन्होंने पूरा का पूरा किचन पोत दिया है पहाड़ी वाला। हाँ। फिनिश हो गया? यस। अच्छा, कितना टाइम लगा? आधा घंटा भी लगा। आधा घंटा भी लगा। तो पहाड़ी किचन के बारे में क्या कहना चाहोगे लोगों को? पहाड़ी किचन के बारे में बोलूंगी, ये इसमें आग लगे काला जाता है रोज रोज। पागल है क्या तू? तो ग्रोथ होता है, काला ही होता है हमेशा। पालक की खेती बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। सफेद और का मुई क्या हुआ?
नहाओ। आलसी इंसान से कभी नहाने की बात नहीं करते और काम की बात नहीं करते हैं, मतलब मशान लगता है और साथ में पाप भी लगता है। ऊपर साइड के नजारे देखो कितना मस्त है, मौसम और क्या, नीला आसमान, बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत पेड़, और अभी पहाड़ों में थोड़े बहुत बादल छाने लग गए हैं। अभी हम लोग बालचंद बाबू के धारे में आ चुके हैं नीचे पे वाला, और यहीं पर थोड़ा बहुत कपड़े धोते हैं आज। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के मंगरे धारे होते हैं, और पहाड़ों में तो ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहले धारे में हम लोग कपड़े धोते हैं दोस्तों, वरना अगर देवताओं का होता है धारा तो इसमें हम लोग बिल्कुल भी कुछ इस टाइप के कपड़े नहीं धोते। बरसात का सीजन नहीं आया तो मंगरे में पानी बहुत कम दिख रहा है, और साथ ही ना दोस्तों ऊपर पे हमारे कुल देवता हैं, और सामने के पहाड़ों में भी बर्फबारी बहुत हो रखी है, और धीरे धीरे दिन के समय में मौसम बदलने लग चुका है। पहाड़ों में कामकाज करते करते कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो जब कभी समय मिलता है तो हम लोग कपड़े धोना स्टार्ट कर देते हैं और कपड़े धोने लग जाते हैं। तो हर किसी के गाँव में उनके कुल देवता होते हैं, जैसे कि हमारे गाँव के कुल देवता हैं सामने बालचंद बाबू जी। चलते हैं, पहले मैं ये गेट देखने को मिल रहा है, साल से यहाँ पर ये गेट देख रहा हूँ दोस्तों, जो कि कुछ ऐसे ही खराब हो रखा है, और लोगों ने यहाँ पर लकड़ियाँ लगा रखी है सपोर्ट से। अब मेरा गांव है तो मैं तारीफ नहीं करूँगा, जो मुझे दिखेगा वो मैं बताऊँगा। ये आपका पूरा का पूरा है मंगरा, जिसे हम लोग धारा भी बोलते हैं, तो दोनों में पानी आ रहे ऊपर साइड से आता है, और इस धारे की एक अलग ही बात है। यहाँ पर का धारा का अंदर का जो पानी आ रहा है ना, ये बालचंद बाबू जी के शिवलिंग से आता है। तो ये मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर एक गेट दिख रहा होगा, ये गेट हमारे नीचे वाले छोटे बाबू ने बना रखा है अपने मम्मी जी के नाम पे, और सामने आपका गेट है, ये चैनल है गेट है, इसके अंदर जब पूजा पाठ होती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। बहुत सारे आपको घोड़े देखने को मिल रहे होंगे, ये सभी घोड़े श्रद्धालुओं के द्वारा लाए गए हैं, बालचंद बाबू जी के सवारी माने जाते हैं घोड़े, तो जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तभी जाके लोग घोड़े चढ़ाते हैं। गाँव से दूर एक खूबसूरत जगह में बसा है हमारे बालचंद बाबू जी का मंदिर कुल देवता। इनका लागत देखते हैं कितना लागत लगा है, इसमें लगा है 14.84 लाख, 14,84,000 का ये मंदिर बना है। मंदिर के लिए पकवान भोग बनाया जाता, और गेट की हालत तो आप देख ही सकते हैं, गेट पूरा टूटा हुआ है, और यहाँ पर कूड़ेदान वाला भी है लेकिन कूड़ेदान तो है नहीं, और खाली स्टैंड लगा रखे हैं, और एक स्टैंड तो पता नहीं कहाँ से ले गया है। ये देखो त्रिभुज टाइप का बना रखा है ऊपरी परत। बाण देवता जी का खूबसूरत सा मंदिर है, इनकी पूजा पाठ भी हमेशा करी जाती है। 15 लाख रुपए में देख सकते हैं अभी पूरा मॉडल। ये रसोई घर है, जब लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। दोस्तों मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, जो सच है सच है। अभी हम लोग यहाँ पर कपड़े धोने आए थे नीचे, तो 14.84 लाख रुपए का ये पूरा का पूरा मंदिर है, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कि ये मंदिर आपको क्या 14,84,000 रुपए का लग रहा है नहीं लग रहा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। जहाँ जहाँ पर मंदिरें होती हैं वहाँ पर घंटियाँ तो हमेशा मौजूद ही रहती हैं। तो ये देखो श्रद्धालुओं ने इतने बड़े बड़े मूर्तियाँ लाए हैं घोड़े। मैडम जी तो धारे में कपड़े धोने में लगी पड़ी है, मैंने मंदिर आपको दिखा दिया है, सामने 15 लाख रुपए का मंदिर है। ये देखिए मंदिरों में अब दरारें पड़ने लग चुकी हैं। मंदिर का मुख्य दरवाजा ये है दोस्तों, और मंदिर के सामने नीचे देखेंगे तो भाई साहब पूरा का पूरा मंदिर बैठ गया है, यहाँ साइड से पूरा मंदिर बैठ गया, पूरा ये वाला एरिया नीचे जमीन में धस चुका है। तो ऐसे रहा तो भाई ये मंदिर बहुत जल्दी ही टूट सकता है। ये देखो पूरा ये पूरा टूट गया है, ये इसका मुख्य कारण अभी आपको मैं बताऊंगा। हमारे गांव में रोड आ रही है, खुशी की बात है, लेकिन वहां पर लगातार फायरिंग चल रहे हैं खतरनाक टाइप के चट्टानों में, तो पूरा गांव हिल रहा है बहुत ही भयंकर, मानो ऐसा लग रहा है कि गांव में बम गिर रहा हो। तो जिससे गांव के जो पहाड़ी मकान या जिनके घरों में दरारें आई हैं, जो बेचारे अपने घरों से परेशान हो रखे थे, जिनके घर मतलब सुधारने की क्षमता नहीं थी, या सरकार के द्वारा भी या लोगों के द्वारा उनको नहीं मिल रहा था, तो उनके घर तो खराब हो ही गए हैं पूरे दरार आके। तो मंदिर में भी असर पड़ चुका है, मंदिर का नीचे पूरा पार्ट देखो पूरा झुक गया है, पूरा बैठ गया है मंदिर। हमारे को दुर्गंध आ रही है। क्या दुर्गंध? तुम मत धोना, मैंने बोला धो करके। तुम धो। मैं नहीं धो रहा हूँ। साबुन ऐसा खराब साबुन लगी नहीं रहा कपड़ों पे। धोते जाओ धोते जाओ धो। तो अभी आधा घंटा में यहाँ पर हो चुका है, और फटाफट जो है कपड़े धोते हैं यार। बहुत कपड़े तो धुल गए हैं, इनको अब ले जाते हैं बाढ़ में सुखाने के लिए। तो हमने अभी सारे कपड़े धो दिए हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े बाढ़ में सुखा दिया, ये बाढ़ खेतों में लगाया जाता है ना। आज बहुत दिनों के बाद मौसम ठीक हुआ था ना, तभी जाके। तो ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल चीजें हैं हमारी, जो भी हमारी दिनचर्या चलती है। तो कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।
तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय देव उत्तराखंड एंड बाय बाय।